किसी की कोई चीज़ गुम हो गई, कोई चीज़ चोरी हो गई, किसी का जानवर लापता हो गया, वो करता क्या है कि फौरन नजूमियों के पास, आमिलों के पास, ज्योतिषियों के पास पहुंचता है, जो ये दावा करते हैं कि हम गैब जानते हैं, हम गुमशुदा चीज़ों के बारे में बतलाने का दावा करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाता है और उनसे सवाल करता है और वो जो कुछ कहते हैं उस पर अमल करता है। ये लोग अर्राफ, काहिन, नजूमी, मुस्तकबिल की बात बतलाने वाले या बतलाने का दावा करने वाले, गुमशुदा चीज़ों के बारे में पता बतलाने वाले, चोर की निशानदेही का दावा करने वाले, ये बेइल्म किस्म के लोग, ये जो सड़कों के किनारे बैठ करके तमाशा लगाते हैं, जो उनमें से आम तौर से बुत परस्त, शिर्क के मुर्तकिब भी होते हैं, उनके पास लोग जाते हैं और औरतें ख़ास तौर से जाती हैं। ये हमारे ईमान के लिए कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इसके बारे में देखिए सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक्बल लहु सलातुन अरबईन लैलतन, कि जो शख्स गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले के पास जाए और उससे कोई सवाल करे, कुछ पूछे, तो 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। 40 दिन तक ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती, किसकी, जो इस तरह के लोगों के पास जा कर के किसी चीज़ की जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ सवाल करता है, सिर्फ पूछता है। अब वो बताता है अगर तो उस पर ये अमल करे ना करे, लेकिन खाली पूछ लिया उससे, अपनी ज़रूरत उसके सामने पेश कर दिया, तो 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करता। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।